हम अपने दैनिक जीवन में कई तरह की ऐसी वस्तुओं का सेवन करते हैं जिनसे पेट की कई बीमारियां लग जाती है। कुछ सामान्य लक्षणों को तो हम नज़रअंदाज ही कर देते हैं, जैसे पेट दर्द होना, थकान महसूस होना और आँखों का पीलापन। ये इतना भयंकर हो सकता है कि काला पीलिया, कोलन कैंसर और फिर लीवर ट्रांसप्लांट की स्थिति होने के बावजूद व्यक्ति बच नहीं पाता है। 2022 में उस साल अराउंड 1.3 मिलियन डेथ हुई थी हेपेटाइटिस बी और सी से। इसका डेटा का मतलब है कि हर 30 सेकंड में हम एक डेथ फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। तो इसी से आपको घातकता का अनुमान लग रहा होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत लेट आते हैं बीमारी। यूजुअली हम ये इंसिडेंटली डिटेक्ट करते हैं, जब कोई ऑपरेशन कराने आता है, उसके नॉर्मल टेस्ट कराने हैं तो पता लगता है कि हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव है। और अगर इस वक्त हम टेस्ट उसको पहले ही ट्रीट कर दें तो हम इन लक्षणों जो उसके कॉम्प्लिकेशन हैं जैसे कि सिरोसिस, लीवर कैंसर, तो इन सबको बचाया जा सकता है। इसके जो सिम्टम आते हैं वो तब आते हैं जब लीवर हमारा 70-80% डैमेज हो जाता है। वो आते हैं जब पीलिया होता है, पेट में पानी भरता है, खून की उल्टी होती है, बेहोशी होती है। और इस वक्त जब ये स्टेज हो जाती है तो लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शंस बहुत सारे बचते नहीं। दवाइयों से कुछ टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं बट लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। इसका प्रिवेंशन की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस ही कि हम लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी को रूटीन तौर पर इवेल्युएट कराना चाहिए, टेस्ट करानी चाहिए। दूसरा, अगर कोई मदर पॉजिटिव है हेपेटाइटिस बी या सी से तो वो बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है, उसके लिए हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन है बट सी के लिए नहीं। बट सी का इलाज बहुत अच्छा है। सी के लिए पहले इंजेक्शंस लगते थे जो बहुत महंगे आते थे, अब सिर्फ एक गोली खानी होती है 3 महीने के लिए और उसमें 99% क्योर है और ये गवर्नमेंट द्वारा फ्री दी जा रही है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले होता था, अब इतने स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया आ गए हैं कि वो ट्रांसमिट के पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। फोर्थ, आईवी इंजेक्टेड इंजेक्टेबल्स जो इंजेक्शन हम शेयर करते हैं जब ड्रग अब्यूज, आईवी ड्रग अब्यूज कर ड्रग्स ले रहे होते हैं, वो उससे ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसको अगर हम अवेयरनेस में सब लोगों तक पहुँचाएँ तो उससे बचाया जा सकता है। एंड फोर्थ इज, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनमें ये ज़्यादा होने के चांस होते हैं। तो एक वहाँ पे पहले तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने नहीं चाहिए बट अगर ऐसा कुछ है तो वेरियन मेथड यूज होना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये कोशिश करनी चाहिए कि हर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे हम ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएं। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।